नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रोमिस किया था कि हम लोग संत सिंघा जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम सिंघा जी समाधि स्थल के कैंपस में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे एक और भाई साहब है। तो सबसे पहले हम भाई साहब का नाम जानना चाहेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मानसिंह यादव। मानसिंह यादव जी, दगड़खेड़ी रहने वाले जी। इन्होंने अपना नाम मानसिंह यादव, गांव दगड़खेड़ी बताया है। तो दादा, सबसे पहले ये जो संत सिंघा जी समाधि स्थल बना है, तो इसकी क्या खासियत है, क्या इतिहास है, थोड़ा सा देखने वालों को आप बताइए। अच्छा अच्छा, तो ये तो क्या जन्म से मतलब संत के वेश में थे जी। संत के वेश में थे और उनका पूर्ण शुरू से निवास यही था जी। और यही लोग आते जाते थे, उनके कुछ चमत्कार भी हुए, कुछ लोगों को दर्शन भी दिए और बहुत सारे लोग उनको है ना मतलब फायदा भी मिला दर्शन से है ना मतलब। वो सिंघा जी के नाम से गाय भैंस चराने के हिसाब से, भैंस चराने के वाले के हिसाब से जाने जाते थे सिंघा जी का, उनका वही था। और उनके चमत्कार ऐसे जैसे कुंवारी पड़िया का ना मतलब दूध निकाल के खिलाया जी। वैसे है ना मतलब वो बहुत सारे है ना उनके चमत्कार है। अब अपने को तो मालूम नहीं, पिताजी लोगों को मालूम, अपन देख रहे जब से यही है। और ये अपन आए जब से 2004 से थे डूब में है ना मतलब ये समाधि वमाधि जो बन गई ऊपर शिखर लिया है। तो ये जो मंदिर है जो ये सिंघा जी के नाम से, हालांकि अभी तो मॉडिफाई भी किया होगा, लेकिन पुराना मंदिर कितने साल पुराना से ये परंपरा चल रही है? थोड़ी सी मड़ी थी सर जी, कितने साल पुराने? वो तो 500 साल पुरानी है, उसका तो इतिहास ही अपने को याद नहीं है, अपने बाप दादा आज खत्म हो गए। और कहते हैं ना जो संत सिंघा जी महाराज है, अगर उनके ऊपर कुछ चढ़ावा लगता है तो कोई खास चीजों को भेंट लगती है, चढ़ावा लगता है कि नहीं? नरियल अगरबत्ती। क्योंकि हमने तो ये सुना कि यहाँ देसी घी या घी भी लगता, तो सही बात है? घी लगता है ना, जैसे किसी गाय भैंस दूध तो मनाते थे कि साहब सिंघा महाराज मेरी गाय भैंस दूध देने लगे तो मैं 1 किलो घी चढ़ाऊंगा, 1.25 किलो घी चढ़ाऊंगा। फिर वो महात्मा लोग है ना मतलब उसको है ना मतलब यहाँ आने जाने वाले संत महात्मा को बांट भी देते, हलवा दाल बाटी जो भी बनाना खाना उनको देते दान राशि में। और फिर वैसे पूर्णिमा पे हलवा बन के है ना मतलब बांटते प्रसादी के रूप में। और ये जैसे और भी आइटम आता या मेला भराता सिंघा जी के नाम से, बहुत पुराना। आप तो मेला हटा ही दिया, आप तो भराते ही नहीं। ये जो मेला पड़ता ये कौन से महीने में कब पड़ता? ये कुहार की पूर्णिमा पड़ता सर। और जैसा कि मैं जानता हूँ ये जो संत सिंघा जी समाधि स्थल है तो ये खंडवा जिले में पड़ता है। हाँ ठीक है। और खंडवा से इधर लगा हुआ देवास भी है, हरदा भी है। तो अगर खंडवा से हम आते हैं तो खंडवा से कितने किलोमीटर पड़ेगा, और इस तरफ से अगर हम सतवास से आते हैं तो कितना किलोमीटर पड़ जाएगा? तो तुमको ये मान चलो 75-80 का एयरफेयर पड़ेगा, और इधर से खंडवा से आवे तो 50-45-50 का एयरफेयर। तो दोस्तों, हमारे दादा ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसके बारे में हमें भी पता नहीं था, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, और भी यहाँ की आपको जो सुंदरता है इस मंदिर की और जो भी खूबियाँ आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है।